वेलकम टू स्टूडेंट्स, इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राहुल, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स आ रहे थे, तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाए हैं, अगर आप उन वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूँगा। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स उठाए हैं, जिन जो कमेंट्स हैं वो मोस्टली कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो वही कमेंट्स बार बार में रिपीट हो रहे, तो मुझे लगा उनके बारे में आप सभी को अच्छे से बता दूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको साथ में मिलती रहे। और साथ में लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो पहला, सबसे पहला अगर कमेंट हम पढ़े तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर, अगर मैं 2017 में मैंने प्लस टू पास किया और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जेई का एग्ज़ाम अगर दे रहा हूँ तो क्या मैं अपीयर हूँ? तो आप 2019 के लिए अपीयर हैं, लेकिन आप 2020 के लिए अपीयर नहीं है। मैं बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि अगर सर हम 2017-2018 के अंदर एग्ज़ाम दिया है तो क्या हम अप्रैल वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते? तो मैं आपको बता दूं, वो स्टूडेंट्स अप्रैल वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर देना, अगर आपका एग्ज़ाम अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट किया है तो सेकेंड अटैम्प्ट आई होप आपका और भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है वो सेकंड अटैम्प्ट भी जरूर क्लियर करना। बस ये बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने 2017 के अंदर अपनी प्लस टू पा क्लियर की है, कंप्लीट की है, वो स्टूडेंट्स 2020 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। 2020 के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, बस 2019 तक वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। और 2019 में अगर हमारा सेकेंड अटैम्प्ट भी हो रहा है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये को ये सभी स्टूडेंट्स का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 2018 के अंदर अगर दे रहा एग्ज़ाम, सॉरी, जिसने प्लस टू क्लियर की है 2018 के अंदर, तो वो 2020 का एग्ज़ाम भी दे सकता है, क्योंकि आपके पास है, सॉरी, 2020 तक का एग्ज़ाम दे सकता है क्योंकि आपके पास अटैम्प्ट जो होती है लिमिट वो होती है 3 साल तक आप जेई मेन का एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। और यहीं काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर, अगर हम जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना चाहें तो कितने अटैम्प्ट हमें मिलेंगे? तो जे एडवांस के लिए आपको अटैम्प्ट मिलते हैं, सिर्फ 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, 2 साल आप दे सकते हैं जे एडवांस का एग्ज़ाम, ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट ये है कि सर, अभी ये रूमर्स चल रहे हैं कि जो हमारे दोनों पेपर में एग्ज़ाम के मार्क्स हैं उन्हें एवरेज लेंगे और उनसे ही निकाले जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट दोनों के एग्ज़ाम आपको अगर देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया आपके परसेंटेज कैसे काउंट होने हैं, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपके जो मार्क्स हैं वो किसी तरीके से मर्ज नहीं होने वाले हैं, ना उन दोनों का एवरेज होगा, ठीक है। अगर मान के चलो, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो और सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो, उन दोनों में से देखा जाएगा कौन सा बेस्ट है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपके जो आपकी रैंक बनेगी वो फर्स्ट अटैम्प्ट में से बनेगी। अगर आपने सेकेंड अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स क्रिएट किए हैं तो आपके सेकेंड अटैम्प्ट के ऊपर आपकी जो रैंक बनेगी। अगर जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दिया तो अगर वो सेकंड अटैम्प्ट देते हैं तो डायरेक्ट उसका सेकंड अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम है, उसकी जो रैंक आएंगे, जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस पे उसकी रैंक बन जाएगी। अगर जिस स्टूडेंट ने सेकंड अटैम्प्ट नहीं देता है और जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है तो उसकी जो रैंक बनेगी वो फर्स्ट अटैम्प्ट के रैंक मार्क्स के ऊपर उसकी रैंक बन जाएगी, ओके। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये टॉप पॉइंट। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही डाउट था कि उनके समझ में नहीं आ रहा था सर, हमारी जो रैंक है वो किस तरीके से बनेगी। तो मैं बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपकी जो रैंक है वो एवरेजली नहीं बनने वाली, आपके अटैम्प्ट पे देखा जाएगा अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कितना किया है और सेकंड अटैम्प्ट में कितना किया। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट अगर अच्छा है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में से आपके जो मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे और उसके बेस पे आपकी रैंक बनेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो कमेंट्स है काफ़ी स्टूडेंट्स का, ये कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं। सर, इज़ द कट ऑफ बेस ऑन द बोथ अटैम्प्ट और ओनली द बेस्ट अटैम्प्ट इन, ठीक है। तो जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो बेस्ट पे नहीं बनने वाली की, वो बोथ पे बनेगी, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से क्या बेस्ट रहने वाला है उसके हिसाब से नहीं बनेगी कि कौन से अटैम्प्ट में, जो मान के चलो किसी स्टूडेंट्स ने अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर अच्छे मार्क्स किए हैं अगर, तो उसके सेकंड अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है तो उसकी तो जो मार्क्स लिए जाएंगे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में से लिए जाएंगे। लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी, अगर जहाँ तक अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो आपके बोथ, मतलब बोथ अटैम्प्ट पे ही बनेगी। आपने सही लिखा है, बोथ अटैम्प्ट पे ही आपकी जो कट ऑफ है वो बनने वाली है,
बेस्ट पे नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बातें आपको ज़रूर बताने वाली थी, ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर जो हमारी कट ऑफ है वो किस बेस पे बनेगी, और जैसे मैंने वीडियो भी डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं सर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे कट ऑफ बता दी। वो तो सिर्फ हमारा एक थिंकिंग थी कि भी हाँ ये कट ऑफ जा सकती है अगर हमारा एक ही अटैम्प्ट होता तो, लेकिन हमारे दो अटैम्प्ट हो रहे हैं तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो बोथ पे बनेगी, सिंगल पे नहीं बनने वाली कि भी आपके फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया सेकंड अटैम्प्ट में, बेस्ट में नहीं देखी जाएगी, वो देखी जाएगी कि आपने बोथ जो अटैम्प्ट है उसके ऊपर देखी जाएगी भी कट ऑफ क्या जा रही है, क्या ली जाएगी कट ऑफ। तो ये जो कट ऑफ जाएगी वो बोथ पे जाएगी, सिंगल पे नहीं जाने वाली है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप जो जिन स्टूडेंट्स ने दोनों पेपर दिए हैं जो उनमें से बेस्ट होगा उसके हिसाब से उसके जो मार्क्स है वो उसके हिसाब से उसकी जो रैंक बनेगी, ओके। अब नेक्स्ट कमेंट ये आ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कि सर हमारी इतने 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 परसेंटेज, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया मेरे को, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बताया, काफ़ी स्टूडेंट्स के 99 भी है, 96 भी है, मेरे को सुन के काफ़ी अच्छा लगा, 70 भी है, और काफ़ी स्टूडेंट्स के 0.45 भी बता रहा है कोई, कोई स्टूडेंट्स ये बताता है कि सर हमारे 5 आए हैं, कोई स्टूडेंट्स ये बताता है हमारे 25 आए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने कहा गोइंग सुसाइड ओनली, तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिए प्लीज़, और ऐसी बातें मत ही सोचिए कि आपने अगर 70% अगर आपने मार्क्स किए हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास अभी यही मौका है, अभी आपके पास एक बार और मौका है। तो ये सारी बातें इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भी आपके ये जो अभी मार्क्स आ रहे हैं जो परसेंटेज शो हो रहे हैं ये किसी तरीके के कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ एनटीए ने एक स्कोर बोर्ड दिखाया है आपको कि भी आपने किस हिसाब से जो आपका शेड्यूल था। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अच्छी तरीके से समझाऊं और रैंक का अगर बारे में बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं आपकी किसी तरीके की कोई रैंक अभी नहीं बनने वाली, जो रैंक बनेगी वो आपके ओवरऑल दोनों पेपर होने के बाद रैंक आपकी क्रिएट होगी। अब मैं जिन स्टूडेंट्स के परसेंटाइल आए उन स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो आपके परसेंटाइल आपके जो एग्ज़ाम में अभी आपके मार्क्स दिखाए जा रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स ने 88 इसके मैथ में आए, तो मैथ का मतलब ये है कि जैसे इसका जिस स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम था वो माना फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शिफ्ट में इस स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था और इस शिफ्ट में बैठे थे 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के जो मैथ के एग्ज़ाम देखा जाएगा, मैथ में क्या क्या मार्क्स थे सभी स्टूडेंट्स के 100 के देखा जाएगा, और फिर इसका देखा जाएगा कि भी देखा जाएगा भी इसने कितने मैथ में मार्क्स किए हैं और जो सभी स्टूडेंट्स ने उसमें, तो जो इस स्टूडेंट्स ने जो 100 स्टूडेंट्स थे उसमें से 88.96 इसके जो मार्क्स थे वो इतने थे, मतलब ये जो इसका जो लेवल है, ठीक है, तो इसका ये लेवल है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के ओवरऑल हमारा कम जा रहा है, अभी स्टूडेंट्स के देखिए यहाँ से अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमारा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन जो इसके ओवरऑल दिखाया मतलब टोटल रैंक अगर दिखाते हैं तो टोटल भी आपका अलग से काउंट होगा, जैसे हर चीज़ आपकी अलग से काउंट हो रही है, मैथ अलग से काउंट हो रहा है, फिजिक्स अलग से काउंट हो रहा है, मैथ अलग, केमिस्ट्री अलग से काउंट हो रहा है, और जो हमारी जो क्या कहते हैं टोटल है वो भी हमारे अलग से काउंट हो रही है। तो आप ये मत समझिए कि जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो कम है, आपके जितने भी इन्होंने दिखाया वो ओवरऑल वो जो सिर्फ आपकी शिफ्ट के हिसाब से दिखाया है, नॉट फॉर की ओवरऑल स्टूडेंट्स का दिया जाए, मतलब अभी जैसे जेई मेन का भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जनवरी के एग्ज़ाम में जो 9.67 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उसमें से 8.78 के करीब काफ़ी इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो अब देखा जाएगा भी ऐसा नहीं है कि इतने ओवरऑल स्टूडेंट्स में से आपकी जो ये 70% मार्क्स आए, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी शिफ्ट में आपके डे में और आपके जो कॉलेज था उसके हिसाब से आपकी जो ये परसेंटाइल दिखाई गई है, ये ओवरऑल में नहीं है, ओके। तो अब आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी, और फिर से मैं एक दो बातें और बता देता हूँ, अगर आपको सेकेंड अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है वो ज़रूर सेकेंड अटैम्प्ट दीजिए, आपके पास अच्छा मौका है, आप जो एग्ज़ाम उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, और जो सेकंड अटैम्प्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन हमारी 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, मैंने पूरी वीडियो बना भी रखी है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और अगर आप किसी तरीके और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेशन के बारे में भी बताया था तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। और ऐसी बातें मत कीजिए कि हम किसी तरीके का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आपके पास बहुत कुछ है करने को, अभी आप सेकंड अटैम्प्ट है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। बस आई होप आप सभी को जितनी भी मैंने आज की वीडियो के अंदर जितनी भी आपको बातें बताई है वो सारे आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह फिर मिलते रहेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना कभी स्टूडेंट्स को, एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।